वेलकम बैक वंस अगेन टू योर चैनल एंड सॉरी गाइस, पिछले एक महीने से मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी आप लोगों के लिए बिकॉज कुछ इश्यूज हो गए थे, टेक्निकल इश्यूज, जिनकी वजह से मेरा चैनल कुछ अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था, जिसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। बट नो प्रॉब्लम, अब हम कंटिन्यूएशन में वीडियो करने वाले हैं, तो आगे आप लोगों को कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं मिलने वाली है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर जो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमारी कुछ वीडियोस हैं जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पर, आप देख सकते हो, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था हमने। सो टुडे वी हैव टू कंटिन्यू बेसिकली हमारा क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हमने ओजेनेसिस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। तो ओजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसमें हमारी फीमेल की बॉडी में एग सेल फॉर्मेशन होता है, मतलब एग गैमेट बनता है। तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे रिप्रोडक्शन में फीमेल की बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप कह सकते हो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और रोल प्ले करता है किसमें, इस रिप्रोडक्टिव फेज में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इटसेल्फ इज व्हाट इज एक्चुअली द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव काइंड ऑफ साइकिल, लाइक आई टोल्ड यू कि रिप्रोडक्टिव सीक्वेंसेस ये डिफाइन करता है। तो ये फीमेल्स प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर प्राइमेट्स की बात हम कर रहे हैं, तो मंकी, ह्यूमन बीइंग्स, एप्स, ये सारी। तो ये एक साइक्लिक इवेंट होता है, राइट? व्हाट इट इज, इट इज़ अ साइक्लिक इवेंट। बेसिकली साइक्लिक इवेंट होता है जिसमें हम वन मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम से क्या करते हैं कि सेकेंड मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, बेसिकली मेंस्ट्रुएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी में, यानी कि ब्लड होता है जो, और मसल टिश्यूज़ होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं एक पीरियोडिक मैनर में। ठीक है, सो उस पीरियोडिक मैनर को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँ कि बेसिकली क्या होता है, तो एक्चुअली में हमारी बॉडी में जब ओसाइट्स बन जाते हैं, यानी कि एग सेल्स बन जाती हैं, तो एग सेल बनने के बाद उनमें इम्प्लांटेशन होना रहता है। तो अगर हमारी बॉडी रेडी नहीं होती है, या फिर हम अंडर द एज ऑफ 15 to 16 होते हैं, बेसिकली 18 ईयर्स होते हैं, तो क्या होता है कि ये डिफाइन करता है कि हमारी बॉडी में एग सेल जो है वो इम्प्लांट हो सकती है कि नहीं। तो जब ऐसी सूटेबल कंडीशन नहीं होती है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन होता है बीच में, तो उस केसेस में जो ओसाइट्स होते हैं वो क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में डेवलप हो चुकी हैं, अब हमारे जो यूट्रस है उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो अगर हमारा यूट्रस प्रिपेयर नहीं है, या फिर हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है, तो ये जो एग सेल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है एक पीरियोडिक मैनर में। ठीक है, तो जो पीरियोडिक मैनर होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है, उसे ही हम कॉमनली क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। जनरल टर्म में हम इसे पीरियड्स कहते हैं, एंड और वी कैन से इट एज अ मंथली साइकिल। तो इसे टर्मिनोलॉजी है जो अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी सिंगल टर्म। तो अब आपको क्लियर हो गया, बेसिकली ये क्या होती है, 28 to 35 days की साइकिल होती है, जो कि होती है एक फीमेल के बॉडी में। सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है फीमेल बॉडी, क्योंकि उसमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डिसबैलेंसेस होते हैं, साइकिल्स होती हैं जो ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड दो टर्म्स होते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंटली यूज़ होते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन टाइप में। तो सबसे होता है पहला मेनार्क। तो मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होता है फीमेल में, उसे हम मेनार्क कहते हैं। यूजुअली ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ कि व्हाट वुड बी द प्यूबर्टी टाइम पीरियड, सो इट इज़ बिटवीन योर ट्वेल्व टू 16। इट्स एन आइडियल एज ऑफ स्टार्ट ऑफ मेनार्क। आफ्टर दीज डिलेज इफ आर ऑब्जर्व इन सक्ष कंडीशन, सो वी डू शुड टेक द मेडिकल एडवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन्स, देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस। वन थिंग दैट आई वुड मैंशन हियर कि हार्मोनल डिसबैलेंस एक रेगुलर चीज़ होती है फीमेल बॉडी में, ओनली नॉट इन फीमेल, मेल्स में भी, बट कॉम्प्लिकेशन फीमेल्स में ही देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ नॉट एनी फिक्स्ड टाइम,
लाइक 12 to 16 ईयर्स ही होती है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज हार्मोन्स होते हैं. हर पर्सन की बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग तरीके से होता है, राइट. तो इस कंडीशन में ये ज़्यादा कम हो सकता है. इट्स नॉट अ फिक्स टाइम. किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है आफ्टर 15, किसी को बिफोर 12 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दियर हार्मोनल चेंजेस. क्लियर? तो मुझे लगता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, एक्चुअल एज जो होती है वो वेरी करती है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जब मेनिआक स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर, मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, रेड करें, जो व्हेन मेनिआक स्टार्ट्स इन फीमेल्स, सो वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उनके रिप्रोडक्टिव एज को इंडिकेट करता है. मतलब अगर किसी कोई फीमेल है जिसको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो शी इज़ फर्टाइल, मीन्स शी और कैन एडॉप्ट द चाइल्ड, शी और कैन गेट द प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ हिज रिक्वायरमेंट. तो ये होता है मेनिआक. अब हम मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे. पॉज वर्ड आ गया है तो क्लियर हो गया होगा कि कुछ रुक जाता है यहाँ पर कोई चीज़. तो वो होता है, क्या रुकता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो परमानेंटली जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रुक जाता है, राइट, तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज. यूजुअली ये भी वेरी करता है, बट अगर हम एक एवरेज की बात करें तो 45 to 50 ईयर की एज तक इसका रुकने के चांसेस रहते हैं इन फीमेल. बट एज आई मेंशन हार्मोनल चेंजेस, जिस हिसाब से हार्मोन्स होंगे उसी हिसाब से आपका मेनोपॉज एंड मेनिआक ऑब्जर्व होता है. क्लियर? तो जो कुछ फेजेस होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में. मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, क्योंकि उनके फेजेस जो हैं उनके बेसिस पे हम आगे फीमेल बॉडी स्टडी कर सकते हैं. तो चार फेजेस होते हैं. पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, देन थर्ड वन इज़ एवोल्यूशन फेज, एंड लास्ट वन इज़ ल्यूटियल फेज. तो एक एक करके हम चारों फेज डिस्कस करेंगे इस सेक्शन या वीडियो में. और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है. सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज. तो ये क्या होता है, एज इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेंस्ट्रुअल आ रहा है इसमें, मतलब कि ये पीरियड से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड होता है कि जिसमें हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मतलब पीरियड स्टार्ट होते हैं. यूजुअली ये 3 to 5 days होता है, बट व्हेन देयर इज़ अ हैवी फ्लो इन फीमेल्स इट कैन लास्ट अप टू 7 days आल्सो. तो ये क्या होता है कि बेसिकली अगर हम इसका समझने की कोशिश करें कि बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, तो बॉडी के जो चेंजेस हैं आप उसे ऐसे पढ़ सकते हो कि इसमें जो आपकी लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है वो ब्रेक होती है. ठीक है, जो यूट्रस अपने आप को क्या है, प्रिपेयर करता है किस चीज़ के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए. जब हमारा गैमेट फर्टिलाइज हो गया, फीमेल गैमेट, तो वो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इम्प्लांट करेगा. ठीक है, बट अगर कोई फीमेल है उसमें एग जो था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब मेल गैमेट नहीं आया, तो जो हमारी क्या है, यूट्रस की वॉल है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है. जब हमारी बॉडी में एग सेल रिलीज होता है उसी टाइम यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता, बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो ये जो यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को, ये क्या करता है कि अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है, जिससे कि उसमें ये जो गैमेट बना है, जायगोट हमारा, वो आकर इम्प्लांट हो जाए. पर अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो यूट्रस की वॉल है वो टूट जाएगी. तो जब वो टूटेगी तो वो यूट्रस वॉल होती है हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. तो वो ब्लड वेसल्स इन फॉर्म ऑफ योर ब्लड वो लिक्विड की तरीके हमारे वजाने से बाहर आ जाता है. इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ योर पीरियड्स. ठीक है, तो यही मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. यूजुअली जब होता है, यहाँ पर मैंने इसलिए स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मेंशन किया है कि ये कंडीशन तब अकर होती है जब हमारा एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है.
रिलीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में, बट वो फर्टिलाइज नहीं होता है। तो जब हमारे बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, व्हेन यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव बट देयर इज़ अ रिलीज ऑफ एग इन योर बॉडी, सो द यूट्रस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड कम्स इन फॉर्म ऑफ ब्लड आउटसाइड थ्रू वजाइना, तो दैट्स इज योर मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, व्हेन अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट शी वुडेंट बी गेटिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, शी वुडेंट बी गेटिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो इट्स द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। क्लियर। अब हम आते हैं कि ये इफ़ेक्टेड हो सकता है स्ट्रेस, पुअर डाइट, पुअर हेल्थ, हार्मोनल डिसबैलेंस, इन सारी चीज़ों से ये इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्टली अगर हम सेकेंड वाले फेज पे बढ़ते हैं तो फॉलिकुलर फेल होता है, आप इसको बहुत अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो। फॉलिकुलर फेल हो फेज जो है ये क्या होता है कि इसमें फॉलिकल एक क्या होता है सेल होती है जो कि मैच्योर करती है, तो उसी बेसिस पे इसका नाम इस फेज का हमने फॉलिकुलर फेज रखा है। अब हमें ये बात जानते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं जो कि ओवरी में प्रेजेंट होती हैं, वो जब फुल्ली ग्रो करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, हमारी गैरिफियन फॉलिकल बनाती हैं। ठीक है, तो गैरिफियन फॉलिकल जो है मैच्योरेशन होता है इसमें, इसीलिए इस फेस को हम फॉलिकुलर फेस कहते हैं। नेक्स्टली अगर हम बात कर रहे हैं और क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं इस फेज में, तो गाइस ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम मेन चीज़ लेते हैं। तो जो यूट्रस होता है उसमें भी कई सारी लाइनिंग होती हैं, लेयर्स होती हैं किसकी, सेल्स की, तो उसी में एक सेल होती है दैट इज़ योर एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है एट द टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुअल फेज, ये एंडोमेट्रियम डिसअपियर हो जाती है। तो अब ये जो फॉलिकुलर फेज है इसमें आपकी एंडोमेट्रियम क्या है वो दोबारा से बन रही है, किस प्रोसेस से बन रही है, प्लोरीफिलेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन इसके प्रोसेस से ये क्या है दोबारा से बन रही है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई आपको कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होके गैरिफियन फॉलिकल बन जा रहे हैं और एंडोमेट्रियम दोबारा से रीजनरेट हो रहा है, किसमें, फॉलिकुलर फेज में। क्लियर। उसके बाद जो चेंजेस होते हैं ओवरीज और यूट्रस में वो ओवेरियन हार्मोन की वजह से होते हैं, मतलब इस फेज में दो हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी है, दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो होते हैं, पहला होता है LH हार्मोन दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज़ FSH, मतलब FSH ये है एक हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो FSH हार्मोन होता है वो गैरिफियन फॉलिकल के स्टिमुलेशन में काम आता है। सेकेंड वाला जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये बेसिकली यूज़ होता है जब हमारी बॉडी में और ओवरीज में चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है हार्मोन्स। आपको याद रखना है कि ये दोनों कौन से हार्मोन्स हैं आपके, हैं ये ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स मतलब ओवरीज से रिलीज किए गए हार्मोन्स। और नेक्स्ट जो इवेंट होता है वो ये होता है कि गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो जो आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है इस फेज में वो ये है कि गोनेडोट्रोपिन्स हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। जो लेवल होता है LHS और FSH हार्मोन का, किसका, LHS और FSH हार्मोन्स का, वो क्या करता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट करता है, मतलब कि जो गैरिफिन फॉलिकल था उसका डेवलपमेंट करता है और ये हेल्प करता है आपका ईस्ट्रोजन प्रोड्यूशन में। ईस्ट्रोजन आपको पता है फीमेल हार्मोन होता है जो कि हमारे गैनॉट से सिक्रीट किया जाता है, तो आपको LSH एंड FSH का याद करना है कि वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करता है, गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज होता है। दो तरीके का हार्मोन होते हैं सबको पता है, LHS और FSH। तो ये है आपका फॉलिकुलर फेज जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर का। नेक्स्टली हम आते हैं एवोल्यूशन और एवोल्यूटरी फेज पर। एवोल्यूशन या फिर एवोल्यूटरी फेज होता है कि जिसमें हमारा ओवम रिलीज हो रहा है,
रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। तो ओवरी से जब हमारा एग निकलता है उसी फेज को हम कहते हैं एवोल्यूशन फेज। ठीक है, जो ये फेज होता है इसमें हमारा LSH और FSH पीक पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये जो फेज है हमारा एवोल्यूशन, ये मिड अराउंड होता है किसका, मिड अराउंड फेज होता है मिड हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मतलब मैंने आपको बताया है कि 28 to 30 days की साइकिल होती है, तो 28 to 30 days की साइकिल में जो अप्रॉक्सीमेटली 14th day होता है इस साइकिल का, वो हमारा मिड होता है। तो उसी 14th day to 15th day के मिड में ये अप्रॉक्सीमेटली होता है जहाँ पर हमारी बॉडी में एग रिलीज होता है। तो जब एग रिलीज होता है तो एग रिलीज के टाइम पर एक जो हार्मोन होता है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि होता है LSH एंड FSH। तो LHS एंड FSH हार्मोन्स जो हैं वो अपने पीक पे रहते हैं इस एवोल्यूशन फेज के टाइम पर। तो ये दो चीज़ें याद रखनी हैं आपको, LHS अर्ज होता है और एवोल्यूशन दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। LHS अर्ज जो होता है, जिसमें LHS होता है वो आपका रैपिडली इंक्रीज करने लगता है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, इसलिए उसे LHS सर्ज कहते हैं। ठीक है, और ये जो LHS सर्ज होता है वो गैल्फल फॉलिकल को क्या करता है, टीयर आउट कर देता है। जब ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है तो वो गैरफिन फॉलिकल मेच्योर होकर फट जाती है। जब गैरफिन फॉलिकल फटती है तो वहाँ से एग निकलकर बाहर आता है, और जब गैरफिन फॉलिकल फटती है उसी टाइम को हम एवोल्यूटरी फेज कहते हैं। ठीक है, जो आपको, या फिर आप इसको ऑपोजिटली भी याद कर सकते हो एवोल्यूशन के हिसाब से, कि जो प्रोसेस होता है गैरफिन फॉलिकल का मेच्योर होने का और उसका रपचर यानी कि फटने का, और जब हमारी बॉडी में एग रिलीज हो जाता है उसी फेज को हम एवोल्यूटरी फेज कहते हैं। तो एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि LHS और FSH अपने पीक पे रहता है और इसमें मैच्योर गैरफिन फॉलिकल क्या होता है, फट जाता है, जिससे कि एग रिलीज होता है। लास्ट वाले फेज पर आते हैं जो कि ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज क्या होता है कि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो दोबारा से बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है कि गैरफियन फॉलिकल का एक रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो एवोल्यूशन के बाद बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब हम कह रहे हैं कि ये गैरफियन फॉलिकल है, गैरफियन फॉलिकल के बाद हमारा क्या हुआ, एवोल्यूशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया। एवोल्यूशन के बाद हमारा जो कुछ पार्ट बचा है गैरफियन फॉलिकल का, सम पार्ट इज लेफ्ट विच इज फॉर्म्ड इन टू वॉट, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट ओवर रिमेनिंग्स ऑफ गैरफिन फॉलिकल आफ्टर इट्स रप्चर। मतलब कि जब गैरफिन फॉलिकल फट जाता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। आपको दो मैंने बताए हैं, आपको पता है कि फीमेल में दो हार्मोन्स बनते हैं, एक बनता है ईस्ट्रोजन जो कि हमने अभी देखा किस फेज़ में, हमारा सेकेंड फेज़ में देखा कि जो कि ग्रोइंग फॉलिकल से रिलीज होता है। सेकेंड वाला जो प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं वो हमारे किससे होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से निकला हुआ ये प्रोजेस्टेरोन काम कहाँ आता है, ये आता है कि हमारे एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में ये काम आता है, और जब ओवम फर्टिलाइज होता है तो वहाँ पर भी इसका यूज्ड रहता है। तो ल्यूटियल फेज में दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि लेफ्ट ओवर ऑफ गैरफियन फॉलिकल आफ्टर एवोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम विच समवेयर सिक्रीट्स योर प्रोजेस्टेरोन्स। क्लियर, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन। तो प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आपको याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में काम करता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ें थी आपको जनरल पॉइंट में आपको यहाँ पर बता देती हूँ जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। तो जो प्रेगनेंसी और कब टाइम फेज होता है उसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स रुक जाते हैं, उसमें सारे फेजेस रुक जाते हैं। मतलब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस नहीं होता है। मतलब कि जितना ये टाइम पीरियड होता है 9 मंथ का, उस 9 मंथ में आपका
आपकी बॉडी में कोई एग नहीं बनता है। तो जब आपकी बॉडी में एग नहीं बनता है तो इन दैट केस यू डोंट नीड टू हैव योर प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के लिए चेंजेस होते हैं, तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। होंगी क्या चेंजेस ऑब्जर्व, कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और जब यही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या होती है, ब्रेकिंग हो जाती है, किसमें, एंडोमेट्रियम की। तो जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मैंने अभी बताया था कि हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो व्हाट हैपेंस कि अगर फीमेल के बॉडी में प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स नहीं है या वो प्रेग्नेंट नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन भी नहीं रहेगा, एंड व्हेन प्रोजेस्टेरोन इज एब्सेंट सो देयर विल बी नो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, राइट। एंडोमेट्रियम का एब्सेंस होगा क्योंकि वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन नहीं है। और जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है तो हमारी नई साइकिल शुरू होती है, किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो इट वाज ऑल अबाउट द चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व्ड एंड इट वाज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई पॉइंट जो आप लोगों को नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सून मीट यू इन